it's hopeless when you think that you lost. Oh, I will take your hand in. Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज यम्मा शोरूम जाने वाले हैं जिधर से मैं बाइक खरीदा हूँ. सो उधर जाने वाले हैं. सो R15M जो है लिमिटेड एडिशन सो आ गया है. सो वही दिखाने जाऊँगा आप लोगों को. सो आप लोग देखो ये वीडियो और फुल तक वॉच करो. जितनी भी डिटेल्स है बाइक का सब बोलूँगा, कितना प्राइस मिलेगा और क्या क्या फ्यूचर है बाइक पे. सो आप लोगों को सब बताऊँगा. सो अभी चलते हैं फिलहाल बाइक पे. सो गाइस, अभी फिलहाल बनेश्वर की तरफ हम निकल चुके हैं. तो बनेश्वर की तरफ हम जा रहे हैं. सो अभी चलते हैं. तो गाइस, फिलहाल बनेश्वर शोरूम पहुंच चुके हम. सो अभी उतरते हैं. सो गाड़ी पार्क कर दिया इधर. सो चलते हैं अभी. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be. और मेरे चैनल पे देख नए हो तो सब सब्सक्राइब कर दो और आप लोग देख ही सकते हो बाइक बहुत अच्छा है. तो ये R1M का स्पेशल मॉडल है, लिमिटेड एडिशन, ठीक है. तो इसका भी प्राइस आता है 226,996, ठीक है. और यहाँ पर जो है नया वाला स्विच बटन दिया हुआ है, एम वर्सन है, नया वाला वर्सन है, ठीक है. ये जो हैंडल बार का लुक है, यहाँ पर जो कवर दिया हुआ है, ये ICC गाड़ी का दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर ये आपको मतलब 155cc का इंजन मिल जाता है, ठीक है. तो और फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको 12 लीटर का. फ्यूल टैंक मिल जाता है जो R15 है, उसका भी 12 लीटर है, इसका भी 12 लीटर है. और इसका टैंक थोड़ा बहुत छोटा कर दिया, छोटा कर दिया. और LED दिया हुआ है सामने, दो LED दिया हुआ है, ठीक है. ये मतलब एम का दो ही लुक होता है, मतलब दो ही कलर होता है, एक ग्रे कलर और एक ये जिसको लुइस व्हाइट बोलता है. पीछे वाला लोग एकदम एम टी की तरह दिया हुआ है. फिलहाल हमारे पास एम टी भी था तो अभी स्टॉक पे, मतलब स्टॉक पे है अभी, फिलहाल शोरूम पे नहीं है, ठीक है. नया वाला वर्सन 2 आया है MT2. ये XZS का नया वाला ग्रे का मॉडल जो अभी फिलहाल ज़्यादा चल रहा है, ठीक है. डिमांडेड कलर है, डिलक्स नया वाला ग्रे कलर, ठीक है. बहुत ही अच्छा है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है. ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है. अगर जो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब वॉब करते हो तो आप लोग ये माइलेज भी अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, माइलेज अच्छा रहता है. और ये 150cc का बाइक है, देखो देखो इसका हैंडल बार दिखा दो. बाकी कंफर्टेबल बाइक है, बहुत ही कंफर्टेबल है. जो आप लोग जॉब वॉब करते हो, जॉब वॉब करते हो सो आप लोग MZX 3.0 दे सकते हो. बहुत ही अच्छा बाइक है, कंफर्टेबल है. सो आप लोगों को मैं दिखा के दिखा दूँ. सब लोग देख सकते हो स्ट्रेट हैंडल है, बहुत ही कंफर्टेबल है. तो मैं कहूँगा जो लोग प्राइवेट जॉब वर्क करते हो सो MZX लो, मेरा यही कहना है. MZX ले लो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है, माइलेज बहुत अच्छा है. और बाकी सारा MT भी है भाई, लेकिन MT अभी स्टॉक पे नहीं है, स्टॉक पे है अभी फिलहाल, अभी शोरूम पे नहीं. सो अभी हम लोग मैंगो जूस खा रहे हैं अभी फिलहाल. तो अभी देख ही सकते हो, अभी जो मेरे साथ भाई आए तो अभी खा रहे हैं. भाई कैसा लग रहा है? मैंगो जूस खाते खाते अच्छा और अच्छा लग रहा है उसको. फिलहाल फिलहाल तो अभी बाइक वॉश हो रही है, तो फिलहाल मेरा बाइक ही दिखाऊंगा आप लोगों को. तो अभी खा, तो फिलहाल बाइक वॉश हो चुकी है. फिलहाल अभी मेरा बाइक पे पास जा रहा हूँ अभी. तो आप लोग देखो मेरा बाइक तो एकदम न्यू जैसा हो गया अभी ना. तो फिलहाल मेरा बाइक अभी न्यू हो चुकी है, तो अभी देख ही सकते हो एकदम वॉश हो चुकी है मेरा बाइक, एकदम फर्स्ट क्लास वॉश हो चुकी है अभी फिलहाल. तो फिलहाल मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे. सो गाइस, अभी KTM का इंडिकेटर लगाने वाला हो, सो वो वीडियो आने वाला है. सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.